हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं जीडीएस की, यानी कि ग्राम डाक सेवक की। सारी हम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देखेंगे, क्या नोटिफिकेशन है, कितनी पोस्ट आई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और अगर आपके 55%, 60% हैं, ठीक है, या फिर अगर आपके 90% है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सी स्टेट से करना चाहिए, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जीडीएस की जो ये ग्रामीण डाक सेवक की जो जॉब है, ठीक है, रिक्रूटमेंट है, ये आ चुकी है, ठीक है। इसे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, फीस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो होने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन जो है वो पढ़ो, जो फिल करोगे, इसके लिए आपको मैं बता दूंगी कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कर सकते हो, तो 15 जुलाई 2024 से लेके 5 अगस्त 2024 तक आप इसकी जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ एडिट करनी है या करेक्शन करनी है, तो उसकी जो डेट है वो 6 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक आपकी डेट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से, ये सारी आपकी देखो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है यहाँ पे निकली है, ठीक है, बीपीएम की निकली है, मतलब काफ़ी सारी वैकेंसीज है। टोटल अगर मैं आपको बताऊँ 44,000 से भी ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं ये आपकी आई हुई हैं, ठीक है। ये हम सारी देखेंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। डाक सेवक की आई हुई है, ठीक है, बीपीएम की आई हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी ये देखिए। अब सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो जो बीपीएम की जो आपकी सैलरी है वो 12,000 से लेके 29,380 तक रहने वाली है, और जो डाक सेवक है ये आपकी 10,000 से लेके 24,470 तक जो है ये आपकी सैलरी जो है इस वैकेंसी की रहने वाली है, ठीक है। तो डाक सेवक की आपकी जो सैलरी वो अलग है, बीपीएम की अलग है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप 18 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज, यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको गिवन है, ठीक है, कैटेगरी के वाइज। अगर आपकी शेड्यूल कास्ट है तो 5 साल की आपके पास रिलैक्सेशन हो जाएगी। ओबीसी है 3 ईयर्स की है। ईडब्ल्यूएस है तो कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। पीडब्ल्यूडी है तो 10 ईयर्स की, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 ईयर्स की, और अगर डिसेबिलिटी वगैरह तो 15 ईयर्स की आपको यहाँ पे रिलेक्शन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख रहे हैं, एज देख ली, अब क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आपकी 10th स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन है कि आपने 10th जो है वो पास की होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड आपका मतलब होना चाहिए, 10वीं आपने पास की होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं बाकी जो यहाँ पे, ये देखिए अदर क्वालिफिकेशन, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कोई सर्टिफिकेट की आपको यहाँ नीड नहीं है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किसकी, कंप्यूटर की। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्या करना है, जो ये डाक सेवक की नौकरी है, आपको जो डाक है वो घर घर बांटने हैं, उसके लिए आपको साइकिलिंग की नॉलेज या मोटरसाइकिल की सारी नॉलेज होनी चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, मतलब कि रहने की जगह आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से रहने की कोई जगह नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हैं। कैटेगरी देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करोगे तो मेंशन करोगे, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये गाइज यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, कई बार लॉकडाउन के कारण अगर मार्क्स नहीं मिले हैं तो मेरिट लिस्ट तो तैयार होगी, उस हिसाब से किस तरीके से ग्रेड पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, ये सर आप देख लेना एक बारी जब आप फॉर्म फिल करोगे। बाकी उसकी वीडियो भी जल्द हमारे चैनल पर आ जाएगी। उसके बाद गाइज सिलेक्शन जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी, ठीक है, तो ये सारी मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारा आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो भी है आपकी आ जाएगी। तो अब अलग अलग स्टेट्स में, जैसे मैंने आपको कहा टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो 44,228, ठीक है, ये आपकी वैकेंसीज जो हैं ये आई हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे कोई भी जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आपको देना है, ठीक है, बिना एग्ज़ाम के आपके 10th के बेसिस पे क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। अब रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे जाके करनी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए गाइज़ आपको अपने आपको सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इनकी जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट जी डी एस ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन,
ठीक है, इस पे आपको जाना है एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दोनों पे ओटीपी आएगा, वो आपको भरना है। ठीक है, आपकी मार्कशीट जो है वो सारी फिल करनी है। ठीक है, ये इस पे मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डालना है, मोबाइल नंबर, उस पर आपका ओटीपी आएगा, आधार नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, ये आपका सारा आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद स्कैन फ़ोटो जेपीजी के फॉर्मेट में हो सकती है, ये लेस देन आपकी 50 KB की होगी। सिग्नेचर आपको डालने हैं लेस देन 20 KB के होंगे। फीस की गाइज अगर हम बात कर लें, जो मेन पॉइंट हमारा आ जाता है फीस के लिए, अगर आपकी जो जनरल कैटेगरी है ठीक है, या कोई और नॉर्मल कैटेगरी है, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ फीस बहुत ही कम होती है, 100 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। बट गाइज अगर आप शेड्यूल कास्ट फीमेल हो, ठीक है, फीमेल एप्लीकेंट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इनकी वेबसाइट जो है आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिसेंट की फ़ोटो अपनी सिग्नेचर के JPG के फॉर्म में, ये 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको सारी वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी, ये जो फाइल्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं वो कौन कौन से स्टेट में हैं, ठीक है, ये आपके स्टेट आ जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके 50% हो गए, 55%, 60% हो गए, ठीक है, तो सच बताऊँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट यहाँ पे जो सिलेक्शन है, मेरिट लिस्ट बनती है, वो कहीं होगी 100%, 90% बनती है, असम में जाती है 70%, ठीक है, 70-75 यहाँ तक जाती है, बट 55-60 वालों की तो सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जो सही नहीं बता रही हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अगर सपोज अगर मध्य प्रदेश के हो, तो वहाँ पर आपको हिंदी जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपकी जो है हिंदी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार सारी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड फ्रेंड्स तक शेयर करो, एंड इसकी एप्लीकेशन की सारी वीडियो मैं डालूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।